श्री श्री कृष्ण बलराम की, शिला प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्रीमद् भागवतम की, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण ओके, वेरी नाइस। सबका स्वागत है। और आज का हमारा जो सैटरडे प्रोग्राम है आज, ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे। आज एक स्पेशल टॉपिक मैंने लिया है, थोड़ा ऐसे बैठ जाना। स्पेशल टॉपिक लिया है, ये है, कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ा है यहाँ पे, जो पूरी तरह से पढ़ा है, एक बार पढ़ लिया है भगवद, किसी ने, आपने पढ़ा नहीं, किसी ने पढ़ा, आपने पढ़ा पूरा पढ़ लिया? हाँ, वो तो ठीक है, वो तो सुना है आपने, सुनना भी एक बात है, लेकिन पढ़ना अपना, पढ़ने में थोड़ा आपको फोकस करना पड़ता है, ठीक है। एक बुक है हमारा, सबसे फेमस बुक क्या है सनातन धर्म में? भगवद गीता। कोई भी अगर भगवान के बारे में बात करेंगे तो हम लोग भगवद गीता, लेकिन उससे भी एक, लेकिन भगवद गीता को बेसिक बुक कहा गया है, बेसिक। प्रभुपाद बोलते हैं कि बेसिक है वो, लाइक प्राइमरी एजुकेशन। उसके ऊपर भी एक पुस्तक है जो डायरेक्टली भगवान से डील करता है, उनके पर्सन। भगवद गीता में आपको अर्जुन कृष्ण है, कर्म है, कर्मयोग बहुत सारा है, लेकिन भगवान के बारे में पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा बुक है जो नेक्स्ट लेवल है, उसको क्या बोला गया है, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है और फिर 18,000 श्लोक है, वो एडवांस लेवल। अगर आपको भगवान को बहुत करीब जाना चाहते हो, आपको भगवान से को थोड़ा दूर से देखना है, भगवद गीता बेसिक। क्लोज और करीब, हम लोग चाहते हैं ना भगवान के पास चले जाएं और उनको मिले, देखे, बात करे, हैंडशेक करे और गले मिले, सब करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि प्रेम का नेचर है, लव जब होता है ना किसी से तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम लोग भगवान की भक्ति का मतलब है, हम लोग भगवान को लव करना चाहते हैं। कितने लोग यहाँ लव करना चाहते हैं भगवान से? लव। थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान को ग्रेट मानते हैं। ग्रेट मानना एक बात है और लव करना एक बात है। कोई ग्रेट व्यक्ति से आप लव कर सकते क्या? मुश्किल है ना। अरे बहुत ग्रेट है, मोदी जी आएंगे तो आप बोलेंगे, डर जाएंगे आप, ऐसा लगेगा कोई बड़ा, यू नो, तो आप उसको, आप उनसे क्लोजली जा नहीं सकते। लेकिन लव में क्या होता है पता है? लव में कुछ नहीं रहता है, ग्रेटनेस भी छुप जाता है, बस हमें आपसे प्रेम है और कुछ नहीं है। या आजकल तो, पहले के ज़माने में मूवीज़ पूरे किस पे चलते थे? लव पे चलते थे ना, कोई लड़का है, लड़की है, प्रेम है। प्रेम में लड़की तो सब घर बार छोड़ के आ जाती है, हो जा आती है ना, लड़का भी यही करता है। तो भगवान से जोड़ने का मतलब है भगवान को लव करना। स्टार्टिंग में हम लोग सोचते हैं कि भगवान ग्रेट है, अच्छा है, फिर उसके ग्रेटनेस के आगे जाते हैं, देखते हैं कि ये स्वीट भी है। भगवान ग्रेट है लेकिन उनसे, उससे भी उनका जो स्वीटनेस है वो बहुत आकर्षणिक है हमारे लिए। किसी को देखते ही क्या आपको आकर्षण करता है? जनरली कोई व्यक्ति से पहली बार मिले, आप अंदर आ जाओ तो आपको देखते ही क्या आकर्षण करता है आपको? कोई बता सकता आंसर? पहली बार किसी को आप मिलते हो, किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, क्या अट्रैक्टिव लगता है आपको? ठीक है, आपको पर्सनल प्रैक्टिकली, आज आपने एक व्यक्ति से मिला तो, हाँ, फिजिक बॉडी, हाँ, आप उनको देखते हो उसके चेहरे से अट्रैक्ट होते हो, वो स्माइल कर रहा है, आप उनका ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हो ना। आपको पता भी नहीं कि वो कितना ग्रेट है, कितना रिच है, कितना पावरफुल है, पता भी नहीं है, लेकिन वो जो ब्यूटी है वो कैसे बात कर रहा है, बहुत प्रेम से बात, तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ग्रेटनेस तो है ही नहीं इसमें। तो ये बात है कि हमें ग्रेटनेस समझना है, लेकिन ग्रेटनेस से ऊपर स्वीटनेस है। तो कृष्ण में सब लोग क्या देखते हैं? हम लोग जनरली ग्रेटनेस देखते हैं। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, ठीक है उठा लिया, लेकिन सबसे अच्छा क्या कृष्ण के बारे में? बहुत स्वीट है, कितने ब्यूटीफुल है, कितने लवली है भगवान। तो हमारे भगवान बहुत स्वीट एंड लवली है। तो भागवतम से हम लोग इस स्वीटनेस को जान सकते हैं। हम लोग ग्रेटनेस को तो ठीक है, ग्रेट सबको बना दिया भगवान ने, ठीक है। तो हम लोग अभी पॉइंट पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है मैंने लिया है भागवतम से पहला श्लोक, 18,000 श्लोक है ना, उसमें पहला श्लोक मैंने लिया है जिसमें भगवान के 7 गुणों का वर्णन है, ठीक है ना।
तो हम लोग समझते हैं जो पहला श्लोक ही भगवान के बारे में सात गुण, ये सात गुण क्या है हम समझेंगे आज। किसी ने भगवत भागवतम पढ़ा है, एटलीस्ट स्टार्ट किया, प्रो आपने तो पढ़ा होगा ना फर्स्ट जो स्टार्टिंग किया, तो सब लोग रिपीट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनि नामे, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामे, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश थारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, मैं श्लोक पढ़ूंगा तो आपको रिपीट भी करना है, ये बहुत अच्छा है, हम लोग साथ में रिपीट करेंगे। तो ये श्लोक स्टार्ट होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अभी एक एक वर्ड बोलूंगा रिपीट कर, जन्मादि अस्या यतो अन्वयाद इतरतस चार्तेष्व अभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मा हृदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रि सर्गो अमृषा। बहुत लंबा श्लोक है तो इसको मैं पढ़ूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्तेष्व अभिघ्नस्वराट तेने ब्रह्म हृदायादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः। तो ये पहला श्लोक है। तो यहाँ व्यासदेव भगवान के बारे में पहला श्लोक भागवतम का स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, भगवान के सात गुण क्या है। भगवान से ही स्टार्ट हो रहा है भागवतम डायरेक्टली, क्या गुण है, स्पेशल गुण है। तो इसका अगर आपको किसी ने पूछा भगवत गीता पढ़ना क्यों, भागवतम पढ़ना क्यों, वेद शास्त्र पढ़ना क्यों, तो आप क्या इसका जवाब दोगे, हाथ उठाना किसी को आंसर पता है तो। अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हो तो आपको किसी ने पूछा आप शास्त्र पढ़ने का आपका पर्पस क्या है, तो क्या बोलोगे, हाथ उठाना, हाथ उठा के आंसर देना, ऐसे नहीं देना। आप कोई है इधर, नए लोग नहीं, नो आंसर, क्यों पढ़ रहे हो आप भगवद गीता, तो आप क्या बोलोगे, आप बताओ, भगवान के बारे में जानने के लिए। अच्छा ठीक है, भगवान के बारे में जानना तो, लेकिन एंड क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या हाँ, तो अल्टीमेटली हम लोग भगवद गीता भागवतम सारा चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि ताकि क्या मिले, भगवान को प्राप्त हो जाए, ये आया आंसर। हमें, हम लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं शास्त्रों में, हम लोग ज्ञान को नहीं ढूंढ रहे हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हो कि शास्त्रों में बहुत कुछ ज्ञान है, स्वर्ग के बारे में है, अप्सराएं हैं, नाच रही हैं, आप उनको भी जाके मिल सकते हो चाहे तो शास्त्रों के द्वारा, या आप बड़े ज्ञानी बन सकते हो, तपस्या कर सकते हो, शक्तियां प्राप्त कर सकते हो शास्त्र पढ़ के, हो सकता है ना, आप बहुत कुछ हो सकता है, शास्त्रों में इतना नॉलेज है, सब कुछ है, साइंटिफिक नॉलेज ले लो है, अस्त्र शस्त्र के बारे में है, स्वर्ग के बारे में है, ब्रह्मा के, ब्रह्मा आपको बनना है, किसको बनना है, ब्रह्म, किसी को बनना है, ब्रह्म, ब्रह्मा भी बन सकते हो आप शास्त्रों को पढ़ के, आप इंद्र भी बन सकते हो, चंद्र भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप शास्त्र, लेकिन गोल क्या है हमारा, ये थोड़ी करना है, अरे पूरा रट मार दिया भगवद्गीता भागवतम, लेकिन हमको क्या है, हम लोग को आपने पूछा तो बोलेंगे मैं शक्तिमान बन जाऊंगा, ये बोगस है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कभी कभी होता है ऐसे, आजकल आप देख रहे हो कि बाहर क्या होता है पता है, बोलते हैं कि हम लोग योगा सिखाएंगे, योग का मतलब क्या है, योग मीनिंग ऑफ योग, योग का मतलब क्या है, योग भगवान
यस, दिस इज द राइट आंसर। भगवान के साथ संबंध को योग कहा गया है। आप कहीं भी चले जाओ, अगर कोई बोल रहा है योग, तो आपको बोलना, अरे भैया आप क्या सिखा रहे हो? मैं योग सिखा रहा हूँ। वो बोलेगा, फिजिकल एक्सरसाइज सिखाऊंगा, आपका डायबिटीज कम हो जाएगा। आप अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे आप योग के। अरे हम लोग इसके लिए नहीं आए, योग का मतलब है भगवान से जुड़ने को, योग, योग कनेक्शन। तो अगर आपने पूरा शास्त्र पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन आप भगवान से जुड़ नहीं रहे, तो आप क्या हो रहे, आपका टाइम पूरा बेकार है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कल भी मैंने एक स्टोरी बताया था, आज मैं फिर से नए लोग हैं, तो एक दो लोग एक नाव पे सवार हो रहे थे, छोटा सा नाव था, और नदी पे इधर किनारे से उधर किनारे, तो ये किनारे में वो नाव खड़ा था, तो एक साइंटिस्ट आ गया, वो नाव वाले को बुलाया, तो वह आ गया, बैठ गया, और नाव निकलने लगा, और ये साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट लोगों का क्या फीलिंग रहता है, मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे सब पता है, नॉलेज तो है उनके पास, इसलिए वो लोग बहुत ऐसा घमंडी रहते हैं। तो उसने नाव वाले से पूछा, रहे यार तुम तो नाव वाले, कितना लोगे? 10 रुपये, ठीक है दे दूंगा, लेकिन तुम्हें फिजिक्स पता है क्या? नाव वाला साइंटिस्ट पूछ रहा है, इसको फिजिक्स पता है? तो नाव वाला बना, अरे फिजिक्स क्या होता है, मुझे वो सब पता नहीं भाई। तो उसने बोला कि तुम्हारा आधा जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया इससे, तुमको फिजिक्स भी पता नहीं। तो बोला, अरे यार ऐसा ही क्या? तो दूसरे और थोड़ी देर आगे के जाने के बाद वो पूछा, तुम्हें केमिस्ट्री पता है क्या? उसने बोला, केमिस्ट्री मुझे पता नहीं। तो बोला, और थोड़ा जिंदगी भी बेकार हो गया तुम्हारा। और तुम्हें बायोलॉजी पता है क्या? बायोलॉजी मुझे पता नहीं, मैंने पहली बार सुना। तुम्हारा पूरा जिंदगी बेकार हो गया। बोला, उतने में क्या हुआ बता, थोड़ी देर में क्या हुआ, किसी को पता है क्या हुआ? हाँ, अच्छा, तो उसने उतने में क्या हुआ, तूफान आ गया, और पानी उधर इधर हलचल हो गया, और बारिश आ रहा है, ये उतने में अपने ड्राइवर, अपने नाव वाले ने पूछा, सर आपको स्विमिंग आता है क्या? तो बोला, नहीं आता है। तो आप गए आज, आप तो बर्बाद हो गए। तो हम लोग यही करते हैं ना, कभी कभी नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन नॉलेज अगर आपको, जैसे कि ये नॉलेज है, क्या आपका खाक का नॉलेज है आपका, कि आपको ज़िंदगी जब मर रहे हो तो आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं है इससे। तो हमें नॉलेज ऐसा लेना चाहिए जो हमें यूज़ हो। तो नॉलेज शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान को। तो वो गोल है, अगर वो नहीं कर रहे तो बेकार है सब कुछ। तो यही है, तो हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। ओके, तो आज का जो श्लोक है वो है फर्स्ट श्लोक भागवतम का। मैं इसमें 7 क्वालिटीज़ है कृष्णा के, क्वालिटीज़ के मतलब गुण, उनके एक स्पेशल फीचर। तो पहला मैं गुण अभी पढ़ूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव कौन है? वासुदेव का मतलब क्या है? वासुदेव मतलब है वसुदेव के बेटे को वासुदेव कहा गया। वसुदेव कौन है? कृष्ण के पिता है, तो वासुदेव उनके बेटे हैं। और कौन है वासुदेव के बेटे? कौन है? कृष्ण है। तो उनको इनडायरेक्टली बताया गया कि वासुदेव है आपका नाम, भगवान जो है, ओम नमो भगवते वास। अब फर्स्ट जन्म आदि अस्य यतहा, ये पहला क्वालिटी है कृष्णा का। इसका मतलब ये है कि ये भगवान ने ही ये सृष्टि का जन्म, जन्म का मतलब क्या है? बर्थ, जन्म लेते हैं ना हम लोग कि किसी माता की कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन यहाँ जन्म का मतलब है ये सृष्टि को किसने जन्म दिया, किसने बनाया। जन्म आदि यस्य यतः, जन्म के बाद क्या होता है? क्रिएट होता है। उसके बाद क्या होता है सृष्टि का? सृष्टि क्रिएट होने के बाद ऐसे रहता है क्या? उसको मेंटेन भी करना पड़ता, पालनकर्ता बोलते हैं ना। फिर उसको थोड़े टाइम के बाद खत्म भी हो जाता है, एक समय रहता है, हर किसी का एक टाइम है। तो भगवान यहाँ व्यासदेव लिख रहे कि कृष्ण ही है जो जन्माद्यस्य यतः है, ये सारे सृष्टि के क्रिएटर है, और क्रिएटर भी है, मेंटेनर भी है, और डिस्ट्रॉयर भी है। लास्ट नेक्स्ट सवाल अभी नहीं, बाद में, ठीक है ना। ये जानना क्यों ज़रूरी है? जनरली हम लोग जब मानव जन्म मिलता है तो हमारे अंदर एक चेतना है जो हमें मजबूर करता है, कि सोचने पर मजबूर करता है कि ये सृष्टि, अगर आप सो रहे हो छत पर, आप तारों को देख रहे हो, तो आपके मन में एक सवाल आएगा। आजकल के बच्चों के मन में आ रहा है कि पता नहीं मुझे, पहले तो ज़माने में जब टीवी नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट थे, सोच पाते थे, उनकी जो सोचने की क्षमता विस्तार थी। आजकल क्या है? कुछ नहीं है, टीवी देखो, खाओ, स्कूल जाओ, सो जाओ, फिर उठो, यही चल रहा है। तो सोचने की क्षमता खत्म हो गई स्कूल जाने के बाद। पहले तो हम लोग तारों को देख के हमको क्या लगता था? कुछ है।
कोई है उधर, हम इधर है लेकिन उधर भी लोग शायद, उधर भी शायद सिटीज है, इधर भी लोग है, उधर भी सब कुछ चल रहा है, हमको एक डाउट आता है। तो साइंस क्या बोलता है आपको? साइंस बोलता है कि अरे यार ये सृष्टि कौन बनाया, तो इसका आंसर क्या है साइंस में? भगवान है, साइंस बोलता है। नहीं नहीं भगवान, साइंस क्या बोलता है? साइंस क्या, साइंस आजकल के साइंस थियरीज है कि ये बिग बैंग थियरी है, एक विस्फोट हो गया और उसमें से निकला है, तो उनका थियरी। लेकिन यहाँ पे भगवान व्यासदेव डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं कि कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर कृष्णा ने बनाया ये सब, जन्मादि यस्य यतः, सब भगवान ने। भगवद गीता आप पढ़ोगे तो भगवान वहाँ पे भी बता रहे हैं, कोई पता है श्लोक भगवान का एक भगवद गीता में? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा। भगवान भगवद गीता में भी बता रहे, भागवत में ही नहीं, खुद बता रहे हैं। यहाँ तो व्यासदेव बता रहे कि आपने बनाया, यहाँ भगवद गीता में बोल रहे कि अर्जुन से आया मैं क्रिएटर हूँ, मैं मेंटेनर हूँ, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ। वो भी क्या, सारे सृष्टि का। यहाँ पे हम लोग भौतिक सृष्टि है और आध्यात्मिक सृष्टि भी है, दोनों को मैंने बनाया भगवान। और क्या, भगवान जब सृष्टि करते क्या सृष्टि करते हैं, क्या सृष्टि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से सृष्टि को बना रहे हैं, क्या क्या बनाते? तो इसका आंसर यह है कि भगवान डायरेक्टली भौतिक पदार्थों को बनाते हैं। भौतिक पदार्थ क्या क्या है, भौतिक पदार्थ क्या है, भौतिक पदार्थ भूमिरापो नलो वायु कम्मनो बुद्धिरेवचा अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिम अष्टदा। आठ तत्व से बना है, क्या क्या है, भूमि, किसने बनाया भूमि, भगवान ने बनाया भूमि, का मतलब है वो जो तत्व है, फिर जल, वायु, आकाश, अग्नि, और क्या बनाया, पांच हो गए, और क्या बनाया, बुद्धि, मन, अहंकार। ये जो सारा सृष्टि जो बना है, भौतिक सृष्टि किन से बना है, ये आठ तत्वों से बना है। उसके बाद में भी बहुत कुछ बनाया भगवान ने, और क्या बनाया, ये चीज़ें तो पता है, और क्या बनाया, तो नए लोग बताओ, थोड़ा इधर फोकस करना आप सब लोग, डोंट टॉक। आठ तत्व बनाए, क्या है तत्व, नो आइडिया, बोल गया आप, आगे आठ तत्व हो गया, भूमि, आकाश, पानी, आग, सब कुछ बनाया, और बुद्धि, मन, और फिर अहंकार, अहंकार। तो और क्या बनाया भगवान ने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों को ठीक है, टाइम को बनाया भगवान ने, टाइम जो चल रहा है ना, हर चीज़ टाइम पे ही चलता है ना, तो भगवान ने टाइम को भी बनाया, भगवद गीता में बता रहे हैं भगवान। तो इन चीज़ों को भगवान ने, तत्वों को क्रिएट किया, लेकिन उसके बाद सृष्टि की रचना किसने की, तत्वों को दे दिया, सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की, वो जो ये तत्वों को एक जगह पे भगवान ने दे दिया और ब्रह्मा ने क्या किया, ये तत्वों को यूज़ कर दिया, फिर क्या बनाया, शरीर बनाया, ये सृष्टि बनाया, सारी चीज़ों को भगवान ने, ब्रह्मा ने बनाया। ये सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर कौन है, डायरेक्ट क्रिएशन पृथ्वी जल तत्व बनाया भगवान। तो उन्होंने ब्रह्मा को बोला, चलो मैंने तत्व दे दिए, तुम आप बना लो जो बनाना है, इसलिए आपका शरीर, मेरा शरीर, इतने जाड़ पौधे, एनिमल्स, सब कुछ भगवान ब्रह्मा ने बनाया। तो एक श्लोक आता है भागवत में, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, भगवद्गीता में, सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवंती या तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीजा प्रदापिता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, किसी को पता है, भगवान बोल रहे कि मैं पिता हूँ सारे सृष्टि का, सब चीज़ों का मैं ही पिता हूँ। क्योंकि भगवान ने क्या किया पता है, आप साइंटिस्ट को पूछोगे कि ये जीवन कैसे आया, साइंटिस्ट लोगों को आप पूछोगे जीवन कैसे है, तो क्या बोलेंगे, जीवन कैसे आया, आप लोग साइंटिस्ट, कितने लोग साइंस पढ़े हो यहाँ पे बताओ ना, जीवन कैसे है, साइंटिस्ट लोग आप क्या बोलते हो, जीवन कैसे है, तत्व है ये जो आग है, पानी है, जल है, वायु, सब कुछ है, लेकिन जीवन कैसे आया, आग में से जीवन कैसे आया, पानी में से जीवन कैसे आया, क्योंकि जीवन का जो नेचर अलग है। जीवन का नेचर क्या है कि हम लोग इच्छाएं करते हैं, हम लोग अनुभव कर पाते हैं, पत्थर अनुभव कर सकता है क्या, कर सकता है क्या, पत्थर, पानी, आग, देखिए इसमें से आप पूछोगे कि ठीक है ये सब तत्व है, बीच में लाइफ कहाँ से आ गया, तो क्या बोलोगे, आंसर नहीं है, क्योंकि साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर नहीं है। एक क्वेश्चन क्या है पता है, आप टॉप 10 इंटरनेट में सर्च मार लेना, साइंस विच के नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है ये सृष्टि की लाइफ कहाँ से आया, उसका आंसर नहीं है, अभी तक नहीं है। मोबाइल बना लिया, रॉकेट छोड़ दिया, एटम बम बना लिया, सब बना लिया,
लेकिन जीवन कहाँ से आ रहे उनको पता नहीं। वो बोलते हैं कि जीवन, वो ढूंढते रहते हैं जीवन कहाँ से आया, जीवन यहाँ से आया, ये पानी है आग है इनको मिलाओ जीवन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये कर लो ये एक्सपेरिमेंट कर लो जीवन आ रहा है, फिर समझ में नहीं आ रहा, फिर बोल रहे कि कहीं ना कहीं से जीवन आ गया, ये क्या कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, ये भौतिकता से आ गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा जीवन कहाँ। लेकिन यहाँ भगवान क्या बोल रहे पता है, सर्वयोनिषु कौन्तेय, जो मैंने ये जीवन को भौतिकता में डाला है, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ भौतिकता थी, पानी आग जल वायु सब थे, तो भगवान ने क्या किया, यहाँ से आत्माओं को लिया जो उनके उन्होंने क्रिएट किया, उनको भगवान ने किस में डाल दिया, भौतिकता में। इसलिए हम लोग देखो हमारा शरीर पूरा जल आग वायु तत्व से है ना, लेकिन अंदर से हम लोग कुछ सोच पा रहे हैं, ये भौतिकता में हम लोग सोच पा रहे हैं, इसका मतलब आत्मा और भौतिकता क्या हो गए, मिल गए। कैसे मिल गए, असंभव। पेट्रोल को आग को मिला दोगे आप, पानी को आग को मिला सकते हो क्या, ये भगवान ने किया है, ये जो मिराकल, ये जो मैजिक है ना, ये भगवान बोल रहे हैं मैंने किया है, भगवान बोल रहे हैं, ये तो ये स्पेशलिटी है भगवान का। ओके, तो पहला क्वालिटी क्या है आज के श्लोक में, क्या क्वालिटी है, भगवान कौन है, क्रिएटर मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर, क्या ऑनर, हाँ तो क्रिएटर मेंटेनर डिस्ट्रॉयर। गॉड को क्या बोलते हैं, एक डेफिनेशन है गॉड का, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन है, तो आपको समझना है ये हम लोग भागवतम में आते हैं पहला ये। ओके नेक्स्ट, तो याद रखना मैं पूछूंगा लास्ट में क्विज, पहला गॉड क्रिएटर मेंटेनर डिस्ट्रॉयर, नेक्स्ट वर्ड यार अन्वयाद इतरतश्चार्थ अभिज्ञः, और एक आ रहा है कि भगवान ने सारे सृष्टि को क्रिएट किया और भगवान फिर बता रहे हैं कि भगवान यह बता रहे हैं कि भगवान, इसका एक वर्ड है स्पेशल अभिज्ञः, अभिज्ञः का मतलब है किसी चीज के बारे में अवगत रहना, समझ में, अवगत का मतलब है कॉन्शियस रहना। आप सब कॉन्शियस हो क्या, आपको पता है आप कहाँ बैठे हो, अंदर क्या चल रही है, मन में विचार चल रहे, सबको पता है ना, पत्थर को पता है क्या, पत्थर को पता है, हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है हमारे बारे में, हम हमारे दुनिया को ही जान सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं कि हाँ मेरा एक शरीर है, मैं उसमें रहता हूँ, और मैं मेरी इच्छाएं, मेरा दुनिया है, मेरे दोस्त है, मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद है, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे ये सब हमने एक जीवन बनाया ना अपना लाइफ, हम लोग उस जीवन के अंदर अनुभव कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप अनुभव कर रहे हैं आपके अंदर, लेकिन आप इनको अनुभव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हमारी वीकनेस है, हम अपने आप को अनुभव कर सकते हैं, हमारी क्षमता है, लेकिन भगवान, भगवान की क्षमता क्या है, सबको अनुभव कर सकते हैं, हर हर जीव के अंदर, हर तत्व के अंदर है भगवान। ये देखो और एक क्वालिटी है अभिज्ञः, इसका एक श्लोक है, इसका श्लोक भगवान बता, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वे रमय अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाह। भगवान बोले कि मैं हर आत्मा के अंदर परमात्मा हूँ। आप आत्मा हो ना सब लोग, आपके आत्मा कौन है आपके आत्मा भगवान है, तो आपके अंदर और एक आत्मा है जो भगवान बोला जाता है, आप कैसे समझना, तो उनको सारे लोगों के पता बारे में पता है, तो यही, तो भगवान सारे लोगों के अंदर रह के सबको जान सकते हैं, आप अपने अंदर ही जान सकते हैं, ये एक बात। लेकिन और एक चीज़ है जो हम नहीं कर सकते, भगवान ही कर सकते। आप मैंने आंसर भी दे दिया, बताओ क्या है वो। एक तो मैंने बताया कि सब जानते हैं भगवान अंदर है, और एक चीज़ है जो भगवान ही कर सकते, हम नहीं कर सकते, जो मैंने आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ वो बताना भी थोड़ा, मैं तो बता सकते हैं, पता है अंदर ये एक्चुअली इसका आंसर क्या है, तो पहला जो आंसर था वही आंसर है, क्रिएट नहीं कर सकते। आप क्रिएट कर सकते हो क्या, एक सृष्टि को रचना कर सकते हो क्या कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बस ये भगवान ने सृष्टि किया, हम लोग रह सकते हैं। सृष्टि का जो पावर है, सृष्टि को बनाने का पावर किसके पास है, भगवान के पास, और सृष्टि में एंटर करके सबके बारे में अवगत है वो भी भगवान के। देखो यहाँ इतना अद्भुत है साइंस, देखो भागवत में क्या बता रहे हैं, बना दिया अंदर है और सब जानते हैं। कॉग्नाइजेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कॉग्नाइजेंस का मतलब अवेयर, जागृत, सब जानते हैं। आप सोचोगे कि अरे मैंने इसका आज मैंने चीटिंग कर दिया इसके साथ और मैं बच जाऊँगा आज, क्योंकि मैं किसी ने देखा नहीं, भगवान का सीसी कैमरा
चारों तरफ घूम रहा है आपके लेफ्ट में सीसी है, इधर है, ताम दिख नहीं रहा है। इसलिए उसको सीसी कैमरा किस तरह वर्क करता है, कर्म, हर चीज रिकॉर्ड हो रहा है। आपने बोला मैं नहीं किया तो भगवान बोल के सीसी कैमरा में दिखा दूंगा कि तुमने किया, तुम्हारे अंदर ही हूं मैं, सीसी कैमरा अंदर ही है इंस्टॉल्ड है। तो ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, भगवान कृष्ण है वो। अभी हम लोग भूलो मत कि ये कोई है, ये भगवान ही है। लेकिन कृष्ण तो गोलोक में है ना, यहाँ कैसे पहुँच गए, आपके हार्ट के अंदर कैसे उड़ गए गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, भगवान बोल रहे मैं गोलोक में होते हुए भी मैं हर जगह पे हूँ हर कण में हूँ। देखो ये और एक क्वालिटी है, मैंने ये यही क्वालिटी में ले लेना उसको, कि हर जगह पे हूँ, गोलोक में निवास करता हूँ लेकिन अखिलात्म भूतो। आप रह सकते हो क्या किसी के अंदर घुस जाए कि यहाँ भी हूँ मैं, आपके अंदर में भी हूँ? नहीं हो सकता टीवी में बोलते हैं मूवीज़ में मैं आपके दिल में हूँ दिल में कुछ नहीं रहता, आप अंदर अपने आप में हो। तो भगवान की ये शक्ति है कि सृष्टि करते हैं, सृष्टि के अंदर है, सबको जानते हैं, पकड़े जाओगे अगर कुछ गलती की। इसलिए हमें क्या सावधान रहना है, क्या अगर आपको पता चल गया भगवान हमें सब बार हर बार देख रहे, तो आपको क्या आएगी मन में, क्या विचार चलेंगे आप, मैं नज़र में हूँ भगवान के, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, पाप करोगे या पुण्य करोगे, पुण्य जो भी अच्छी चीज़ें करोगे ना, क्योंकि भगवान मुझे देख रहे हैं यार, इतने महान व्यक्ति मुझे देख रहे, तो मैं अच्छा से रहूँगा, इसलिए शास्त्र को फॉलो करूँगा, खुश रहूँगा। सही है पॉइंट, सही है ना। अगर आप एक व्यक्ति मूर्ख है जो शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको तो पता ही नहीं कि भगवान की नज़र में मैं हूँ, तो क्या करेगा, क्या करते रहेगा, पाप करेगा। क्यों पाप करेगा, क्यों करेगा पाप, आंसर बताओ, उसको लगता है कि वो कोई देख नहीं रहा, उसका मूर्ख है ना वो। तो ये दूसरा हो गया, याद रख लेना। और तीसरा अभिघ्न स्वराट, ये बहुत पावरफुल वर्ड है, आपको कभी भी याद रखना। स्वराट का मतलब क्या है, स्वराट कभी कभी हम लोग कौन सा युवराज कोई है स्वराट, किसी का नाम है, किसी ने सुना युवराज, क्या विराट है, स्वराट नहीं विराट कोहली है, ये भगवान का नाम है स्वराट। स्वराट का मतलब किसी को गैस कर सकते हो क्या, बताइए ब्रो, हाँ एकदम स्वतंत्र, किसी के ऊपर भगवान निर्भर नहीं, डिपेंडेंट। आप ना, आपका हवा पे डिपेंडेंट है, पानी पे है, खाने पे है, कपड़े पे है, हर चीज़ हम लोग किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड। अगर बारिश नहीं पड़ा तो एक साल, दो साल, तीन साल हम लोग ख़त्म जो कंप्यूटर वम्प्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब खत्म हो जाएंगे, तो ये सब बकवास। तो अगर हम भगवान को बोल रहे हैं कि स्वराट है, इसका मतलब क्या है, ठीक है स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, कब हो कभी कब कौन बोल सकता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कौन बोल सकता है, कौन, कृष्ण बोल रहे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, व्यासदेव बोल रहे कि आप ही है वो जो सबसे स्वराट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड, आपकी खुशी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, आप अंदर से स्वाभाविक रूप से खुश हो, एक एंगल। लेकिन स्वराट क्यों है, भगवान कृष्ण स्वराट क्यों है, चीज़ें बनाई तो क्या हुआ, ठीक है वो तो हमारे एंगल से हमको बनाया, उनके एंगल से अगर वो स्वराट है, क्यों स्वराट है आप बताओ आंसर, कौन बता सकते, आप कोई किसी ने बोला आई एम स्वराट, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा आप स्वराट है, तो कैसे प्रूव करोगे आप स्वराट हो, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, तो उसका मतलब क्या, आप अगर आप डिपेंडेंट नहीं हो तो आप क्या हो फिर, आप इंडिपेंडेंट हो आप किसी के, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपको किसी ने बनाया नहीं, आप ऐसी हो, अगर आपको किसी ने बनाया तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना तो भगवान को किसी ने बनाया ही नहीं, ये सवाल आंसर यहाँ आता है कि आप हर चीज़ को देखते हो तो लगता है कि इसको आई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को किसी ने बनाया, मिस्त्री ने, सीमेंट ने, जो भी है, और आपको आपके पिता ने बनाया, माता पिता के संभोग से आप, और या कंप्यूटर बन गया किसी ने बनाया फैक्ट्री में, हर चीज़ आप निकाल लो संसार में, हर चीज़ के पीछे किसी ने बना, इसलिए हम लोग डिपेंडेंट है, आप बोल ही नहीं सकते कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आपके पिता पिता के पिता पिता के पिता पिता के पिता पिता वापस जाओगे, पिता जाते रहोगे तो फिर लास्ट में कौन मिलेगा आपको, यहाँ एक जगह पर आप आओगे जहाँ बोल रहे कि मैं हूँ, वहाँ पर जहाँ मेरा कोई बिगिनिंग नहीं है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट है वो, उनको किसी ने बनाया ही नहीं है, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली चलते हैं। हम अगर फॉर एग्जांपल आप लोग, हम लोग इतने सारे लोग हैं, भगवान को हम लोग सेवा करते हैं ना, भक्ति का मतलब सेवा, अगर आपने सेवा नहीं की तो क्या होगा भगवान का, क्या भगवान दुखी हो जाएंगे क्या,
क्यों दुखी नहीं होंगे? क्यों आपके आप पर डिपेंडेंट नहीं हो? वो आराम से खुश है अंदर। वो अगर हम लोगों ने भगवान की सेवा की तो क्या हमें मिलेगा? क्या हमें मिलेगा? हम खुश हो जाएंगे, इतने ग्रेट पर्सनालिटी है, उनसे जुड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, मैं उनके ऊपर डिपेंड, सब वही दे रहे हैं, अरे यार आपकी सरेंडर करूंगा, खुश रहते। तो अभी आपको एक प्रॉब्लम आएगा, आपको अभी मैंने जब ऐसा ऐसे बोला तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी, अरे साइंटिस्ट लोग आपको पूछेंगे कि साइंटिस्ट लोग हैं ना जो सवाल पूछते हैं ना, अरे ये कैसे संभव है कि कृष्णा इंडिपेंडेंट है, कैसे संभव? क्योंकि वो लोग तो लॉजिक लगाएंगे क्या कि सब कुछ तो सबके पीछे तो कुछ ना कुछ कारण है, तो भगवान के पीछे भी कुछ कारण निकालना पड़ेगा, तो आपको बोल प्रूव करना पड़ेगा भगवान के पीछे कुछ तो कारण है, तो फिर क्या जवाब दोगे आप? साइंटिस्ट ने आप हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग मान लिया, साइंटिस्ट बोलेगा अरे यार प्रूव करो कि, या जो भी है लॉजिक बताओ, लॉजिक से समझाओ एटलीस्ट कि भगवान इंडिपेंडेंट है, तो फिर क्या बोलोगे? इसके आंसर क्या हो सकता है आपके? अगर आपने उनको पूछा तुम बताओ यार तुम बताओ, चलो ठीक है कौन है क्रिएटर, स्टार्टिंग सबके पीछे कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सबके पीछे कुछ है बोल रहे हैं ना, तो आप बताओ, हम लोग नहीं बता रहे आप बताओ, तो वो बोलेंगे कि कुछ था एक्चुअली पहले भगवान जो भी सब क्या पानी आग जल वायु सृष्टि था, फिर उसके पीछे क्या है, तो वो बोलेंगे कि उसके पीछे कुछ नहीं था एक्चुअली कुछ नहीं था, तो आप बोलोगे नथिंग था, नथिंग मतलब कुछ नहीं था, क्योंकि उनका उनका थ्योरी यही है कि बिग बैंग था फट गया, लेकिन वो बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था एक्चुअली नथिंग, तो आप पूछोगे कुछ नहीं से सब कुछ कैसे बन गया, नथिंग से समथिंग बन गया ना, समथिंग का मतलब सृष्टि, तो वो बोलेंगे नथिंग में समथिंग था, नथिंग में क्या था, यही बोलते वो बिग बैंग का जो पॉइंट था ना, एक पॉइंट था बहुत गर्मी हो गई वहाँ फट गया, तो आप बोलेंगे वो पॉइंट कहाँ से आया, वो पॉइंट है बस है ऐसे, वो कहाँ से आया, वो कुछ नहीं था उसमें से आया तो ये वो लोग भी यही फंसेंगे, हमारा जो लॉजिक है ना, हम लोग बोलते हैं कि भगवान के पीछे कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा नथिंग नहीं कृष्णा है भाई वहाँ पे तुम पागल लोग हो, व्यासदेव बोल रहे कि ये नथिंग का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये भगवान कृष्ण है, वो स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, वो एग्जिस्ट करते हैं, बस वही है कृष्णा का फीचर। अभिघ्न का मतलब क्या है, अभिघ्न का मतलब क्या है, अभिघ्न इससे पहले ही बताया था, अभी स्वरा कॉन्शियस एक एक, और स्वराट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर भगवान किसी के ऊपर डिपेंड, फॉर एग्जांपल हम लोग आपको किसी ने बोला भगवान के ऊपर, भगवान किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है मान लेते हैं भगवान किसी पे डिपेंडेंट है, तो फिर वो बंदा जो जिसके ऊपर भगवान डिपेंडेंट है, तो उसका उसका उसको किसने बनाया, यही चलते रहेगा फिर, तो इसका एंड नहीं है। तो यहाँ भगवान इसलिए व्यासदेव बोल रहे कि भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान बिगिनिंग है, तो ये तीसरा है। तो पहला क्या था बताओ, पहला क्वालिटी क्या है कृष्णा का, जनरेटर क्रिएटर मेंटेनर डिस्ट्रॉयर हो गया, जन्माद्यस्य यतः। दूसरा क्या है, अभिघ्न मैंने बढ़िया, तो अभिघ्न मतलब सारे सृष्टियों के बना के सब के अंदर है, सब जानते हैं, और तीसरा क्या है, डिस्ट्रॉयर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है भगवान। ओके तो ये अभी नेक्स्ट तीन हो गए, अभी चौथा है ये श्लोक में आ रहा है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, प्राइमरी क्रिएटर कौन है, प्राइमरी जो तत्वों को दिया कृष्ण ने, सेकेंडरी क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा को दिया, तुम अब मैंने जो चाहिए दे दिया, अब तुम जो करना है कर लो, भगवान ने शक्ति दिया उसको। तो यहाँ पर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि का मतलब है बिगिनिंग, ब्रह्मा कौन है एक्चुअली, अगर किसी ने आपको पूछा ब्रह्मा कौन है तो क्या बोलोगे आंसर, क्या कौन है ब्रह्मा जी, कौन है ब्रह्मा जी, पहले सृष्टि में पहला कौन व्यक्ति है जो था, ब्रह्मा पहला व्यक्ति है इस संसार में, हर संसार में ब्रह्मा ही पहले, वो भगवान के नाभि से लोटस में ऑटोमेटिकली, उनका कोई उनके माता पिता कोई नहीं है ब्रह्मा के, वो बस नाभि से ऑटोमेटिकली उनका वो अभिघ्न वो क्या वो स्वयंभू बोलते हैं, भगवान से उत्पन्न है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा को भगवान यहां बता रहे कि ब्रह्मा को मैंने ज्ञान दिया, नॉलेज तेने ब्रह्म हृदय, कैसे दिया नॉलेज, हार्ट टू हार्ट, तो भगवान ने ही सब नॉलेज दिया। ये यहां मैं पढ़ूंगा, ही इज द ओनली, ही इम्पार्टेड द वैदिक नॉलेज
एंड टू द हार्ट ऑफ ब्रह्मा जी द ओरिजिनल लिविंग एंटिटी। तो पहला जो नॉलेज, शास्त्रों का नॉलेज कहाँ से हमको आ रहा है, और वो ब्रह्मा से आ रहा है, और ब्रह्मा को किसने दिया, कृष्ण ने दिया, और कृष्ण ने कैसे दिया, कैसे दिया, हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट ट्रांसप्लांट। ऐसे नहीं कि आपको बुक दिया बस, ब्रह्मा समझ में आ रहा था, ब्रह्मा को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, ढूंढ रहे थे, क्योंकि पहला आदमी है ना, कोई है ही नहीं साजू बाजू में, और सारा पूरा पानी है, और कमल के फूल के बीच में बैठे, तो वो ढूंढने लगे कि मुझे कौन बनाया, मैं क्यों हूँ। आपको अगर आइलैंड में डाल दूं और आपको बोलूं कि क्या करना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्यों क्या हूँ, तो आप ढूंढने लगे। तो ब्रह्मा ने फिर तपस्या में बैठ गए, अब मुझे कुछ नहीं, मैं ढूंढने से मिलेंगे नहीं ये भगवान, जो भी है मैंने मुझे, तो मैं तप में बैठ गया, तपहा। तो भगवान ने फिर प्रत्यक्ष रूप से उनके हार्ट में नॉलेज दिया, सृष्टि करो, मैंने तत्व बनाए, अब सृष्टि करो। तो भगवान बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, कौन सा है, फोर्थ वन, बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। ओके, नेक्स्ट, मुह्यंती यसूरयः, मुह्यंती का मतलब है मोहित होना, मोहित होने का मतलब है कि भगवान के बारे में हमने इतना सुना और हमको लगता है कि हम लोग भगवान को समझ गए ना। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि बड़े बड़े देवी देवताएँ मेरे से मुझे समझ नहीं पाते, इतना आसान नहीं है, हम लोगों ने सुन लिया, मैंने बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ आपको, आपको भी अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, लेकिन तत्वतः अगर आपको सच में ये जो ज्ञान अनुभव करने के लिए, इतना आसान नहीं, क्योंकि बड़े बड़े देवी देवता है, कौन कौन देवी देवता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़े देवी देवता है कौन है हमारे, ब्रह्मा है सबसे मेन पर्सन, फिर शिव जी है, और इंद्र, चंद्र, वरुण, इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं, लेकिन भगवान बोल रहे कि ये सारे लोग भी मुझे जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाएंगे, अगर आपको किसी ने पूछा, भौतिक जगत में है तो जान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये एक एक ठीक है, एक्चुअली भगवान को जानना मुश्किल है, भगवान को जानना जान सकते जब वो चाहेंगे आप, अब अपनी क्षमता से आप यहाँ बैठ के तपस्या योग करूँगा भगवान को जानूंगा तो क्या होगा, ठेंगा, प्रयास हमारा लगेगा, फिर भगवान चाहेंगे तो होगा, लेकिन प्रयास कर, अब बच्चा रोता है तो ही माँ देखेगी ना, माँ काम कर रही है, बच्चा रोएगा ही नहीं, तो फिर माँ बोलेगी बच्चा पढ़ा है, चलो पढ़ने दो, मुझे क्या देखना है। तो हमें क्या करना है, रोने का मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास, फिर भी नहीं होगा, आप इतना भी प्रयास कर लो फिर भी आप समझे, तो भगवान को भी इच्छा करना पड़ेगा, एक तो हमारा प्रयास, क्लियर पॉइंट, आप भगवान प्राप्त कर सकते हो, कैन यू, आप ही हाँ प्राप्त कर सकते हो आपकी क्षमता से, इम्पॉसिबल है ना। एक चींटी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है क्या? हम चींटी की तरह, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि बड़े बड़े देवता कैसे मोहित करते हैं, पता है, मोहित कर देते हैं, उनको भी लगता है कि मैं जान गया, भगवान अनजान है, भगवान यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि कभी कभी हम लोग रेत के, क्या बोलते हैं रेत को, क्या डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगिस्तान, रेगिस्तान में जाते हैं, तो दूर से आप गाड़ी में जा रहे हो तो आपको लगता है कि दूर में क्या है, पानी दिख रहा है, आप पास में जा रहे हो तो देख रहा है कि क्या है, पानी नहीं है, कभी कभी लगता है आग में पानी लग रहा है, मोहित हो जाते हैं, हम लोग को लगता है कि हमने समझ लिया, हम जान गए कि कुछ है पानी, लेकिन उधर नहीं है। उसी तरह भगवान को हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी क्षमता से जान लिया, लेकिन जान नहीं पाना, इम्पॉसिबल है। तो भगवान यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि ये आप पढ़ लेना श्लोक में। ओके, नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट वर्ड, कितने हो गए, तो क्या फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन था नहीं, तो फिफ्थ वन क्या था पॉइंट, मोहित हो जाना। तो भगवान को जानना असंभव, कैसे जान सकते भगवान को, अगर जानना है तो कैसे जान पाओगे, शास्त्र से पढ़ के रट मार के नहीं होगा, भक्ति से, भक्ति से, भक्ति का मतलब क्या है बताओ, सरेंडर नहीं, डायरेक्ट वर्ड बताओ, एक ही वर्ड में होना, भक्ति को डिफाइन, प्रेम, लव, किसी को जीतना है तो हम लोग लव से ही जीत सकते, यहाँ पे भी भौतिकता में भी ऐसे ही चलता है, आपको किसी को सच में जीतना है तो प्यार से ही हो सकता है, आप उसको दबाव में डालो तो सरेंडर कर लेगा, लेकिन आपको अंदर से प्रेम नहीं कर सकते। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं, भगवान के पास सब कुछ है यार, तुम्हारी ज़रूरत क्या है, लेकिन भगवान के पास एक चीज़ नहीं है, क्या नहीं है, सेवक है बहुत है, लेकिन एक चीज़ जो आप ही के पास है, नहीं प्रेम, आपका प्रेम नहीं है उनके पास, आपके पास थोड़ा प्रेम है ना, आपकी स्वतंत्रता, एक एक आपके अंदर एक इच्छा, क्या इच्छा नहीं, एक एक क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कि एक हम में क्या है जो भगवान के पास नहीं है, नहीं इच्छा शक्ति नहीं,
हम में क्या है जो भगवान के पास नहीं है? आपके पास एक चीज़ है जो भगवान के पास नहीं है, जो भगवान आपने आपने उसको भगवान को दे दिया तो खुश हो जाएंगे। क्या है? आपके पास स्वतंत्रता है भगवान से प्रेम करना न करने की, है ना? आप चाहे तो भगवान से भक्ति कर सकते हो, अगर नहीं तो नहीं कर सकते, भगवान जबरदस्त नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अपने इच्छा से भगवान को प्रेम करते, भगवान को क्या लगता है? अरे ये नहीं था मेरे पास, सब कुछ है लेकिन आपका प्रेम, जैसे कि एक माँ बेटे को, माँ और बच्चे के बीच में क्या प्रेम ही है ना, तो चाहती है कि मेरे से प्रेम कर। हम लोग यहाँ क्यों हैं? हम लोग यहाँ क्यों हैं? क्यों हैं? क्यों? भगवान से जुदा हो के हम लोग, भगवान को हमने ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। आप हमसे, हम आपसे प्रेम नहीं करना चाहते, हम स्वतंत्र होना चाहते, तो इसलिए हम भगवान बोल रहे, अरे यार मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले, अब काश सब मेरे से प्रेम करें। तो भगवान दुखी है हमसे कि हम उनसे प्रेम नहीं कर रहे। जब हम लोग उनसे भक्ति करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? अच्छा लगेगा, प्रेम, अरे मुझे यही चाहिए था, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। हम लोग भगवान को प्रेम करते क्या करेंगे? भगवान अपने आप को समर्पण करेंगे, हम उनको समर्पण करें रहे ना, तो वो भी, क्योंकि लव का मतलब क्या है? टू वे ट्रैफिक है, वन वे है क्या? लव का मतलब वन वे नहीं रहता है ना, टू वे रहता है। तो भगवान चाहते हैं कि हम प्रेम करें। तो क्या पॉइंट था यहाँ पर, क्यों हम लोग यहाँ पे हैं, क्या पॉइंट था यहाँ पे? तो मुह्यंत यस्वरयो तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृष। और एक बात है, अभी ये सिक्स्थ वन है, सिक्स्थ वन क्या पता? यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग इस संसार में जेल में फंसे हुए हैं, और हमें क्या लगता है इस संसार को देखने से, क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? मज़ा आ रहा है ना, आ रहा है ना, बहुत लोगों को मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल सजाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, गाड़ी पे चलाते हैं, और पैसे से एंजॉय करते हैं, करते हैं ना, फॉरेन ट्रैवल करते हैं, कनाडा जाते हैं, क्यों? मज़ा आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं बता, बताओ, शर्माओ मत यार, सबको मज़ा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जेल के अंदर मज़ा क्यों आ रहा हमें? जेल के अंदर आप कैदी हो, आप मरने वाले हो, आप बीमार पड़ोगे, आप बूढ़े हो जाओगे, आपके साथ बहुत बुरा होने वाला, लेकिन यहाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आप कभी कभी ये भी बोला जाता है कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है पता है? हम लोग हमारे सामने लोग मरते हुए देखते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम मरेंगे नहीं। हम लोग देखते हैं, शमशान के बाहर खड़े रहो और देखते रहो कि हम मर रहे हैं लोग, और आपको अंदर शमशान के अंदर जाते आपको लगे, अरे यार दुनिया बेकार है यार, मैं वैराग्य ले लूँगा, मैं त्याग दूंगा, ये सब संसार वेस्ट है। बाहर आके होटल में जाके देखो, खतरनाक चीज है ये। इसका मतलब क्या? मैंने इसको आप समझा, इसका मतलब क्या निकला? माया है। भगवान की माया जो है इतनी शक्तिशाली है कि ये गंदी चीज को आपके मन में क्या लगा बनाई देती है, बहुत अच्छी है, भगवान की माया है। तो यहां भगवान बोल रहे कि तेजो वारी मृदाम यति अभिनय अत्र, ये भगवान की शक्तियों के कारण, माया की शक्तियों के कारण हम लोग गटर में रह के भी हमको क्या आ रहा है यहाँ पे? मजा आ रहा है। जैसे कि इंद्र को एक बार शाप दिया था किसी ने, ऋषि ने इंद्र को शाप दिया था, क्या शाप दिया था पता है? तुम सुअर बन जाओ, दुनिया में जाके सुअर बन जाओ। तो इंद्र सुअर बन गया थोड़े टाइम के लिए, और सुअर बन के नीचे है, और थोड़ा समय हो गया, 10 साल का जो टाइम था उसका, जो भी टाइम था, तो सुअर बन के बच्चे हैं, फैमिली है, 2-3 बीवियां हैं, गटर में पड़ा है, नंबर टट्टी खा रहा है, मजा आ रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद उसका टाइम हो गया, अरे यार अब ब्रह्मा जी आ गए, अरे यार तुम इंद्र हो यार, तुम आ जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारा पनिशमेंट एंड हो गया। तो इंद्र क्या बोल रहा है पता है? क्या बोल रहा है? अरे मज़ा आ रहा है, मैं क्यों? मेरे बच्चे है, मेरी बीवी है, मोटी सी बीवी है, बहुत खूबसूरत है दिखने में। देखो इंद्र, जो इंद्र सिंहासन पे बैठा था, जिसको सबसे टॉप भौतिक सुख थे, लेकिन यहाँ आके माया में फंस के डुक सुअर बन के सूरीन के क्या और एक स्वर के पीछे भाग रहा है और अपना संसार बना रहा है और मजा आ रहा है। काश आप स्वर बनते तो हम भी यही करेंगे। आप कुत्ते बन जाए तो भौंकोगे, मजा आएगा भौंकने में, धूम हिलाने में मजा आता है, क्योंकि ये संसार बनाया ऐसे भगवान ने। तो भगवान बोले देखो, वासुदेव बोले भगवान की माया की शक्ति है कि ये देखो ऐसे बनाया कि आप फंस गए तो फंस गए, इसलिए बहुत मुश्किल है। लास्ट एंड फाइनल, दामना स्वेन सदा निरष्ट कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान ने सारे कुछ बनाया, आपने जब सब कुछ सुना, और भगवान फाइनली बोल रहे हैं कि मैं, कोई किसी को पता है लास्ट वन क्या है? भगवान अपने धाम में सदा के लिए स्थित है,
अपना धाम छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, अपना धाम के बारे में चर्चा है भगवान की। भगवान कभी भी अपने धाम में स्थित है। तो लास्ट श्लोक क्या है यहाँ, अगर भगवान के धाम को समझना है तो एक श्लोक है भगवद गीता में, पढ़ लेना 15.6, न तद्भाषे ते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान बोले कि अरे तुम सारे लोग मेरे जो अंश हो, तुम इस संसार में फंसे हो, मेरे माया में हो, भक्ति कर लो, मेरे पास आओ, मेरे धाम आ जाओ। वहाँ क्या है पता है, न तद्भाषे ते सूर्य न शशांको न पावक। भगवान बोले कि मेरे धाम में आओगे, पता है स्पेशलिटी क्या है, तुम्हारे जो भौतिक संसार में लाइट सूर्य से चंद्र से आता है ना, मेरे धाम में कोई लाइट वीट नहीं रहता, सब प्रकाशवान है, ना सूरज की ज़रूरत है ना चंद्रमा की ज़रूरत है। यहाँ जस्ट आप इमेजिन करो, अभी रात हो गई, क्यों रात हो गई, सूरज ढल गया और सुबह सूरज उगा ही नहीं, तो क्या होगा हमारे साथ, सूरज उगना बंद हो गया, भगवान ने कट कर दिया सूरज का कनेक्शन, जैसे कि गैस का कनेक्शन हमारा रहता है ना, चूल्हा बंद हो गया, खाना मिलेंगे तो मरेंगे। तो सूरज अगर निकला नहीं कल तो क्या करेंगे आप लोग क्या करोगे, मर जाओगे क्या थोड़े दिन में, सूरज उगाने तो क्या हो गया, मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, कितने दिन बचेंगे, अरे अनाज ही उगेगा नहीं भाई, पानी भी नहीं गिरेगा, सूरज के कारण ही पानी गिरता है, ये सब चल रहा है, आप सड़ जाओगे। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखते हैं, फ्रिज को ऑफ कर दो क्या होगा, हम लोग ऐसे फ्रिज में सड़े हुए गाजर मूली की तरह सड़ जाएंगे, बैंगन भी सड़ जाता है, हम लोग भी, भगवान ने ये सिस्टम बनाया है, परफेक्ट सिस्टम, और भगवान आके सूरज को बेचते लोग, लेकिन भगवान बोले मेरे धाम आओ, तुमको ये सब जरूरत नहीं, लाइट वेट की जरूरत नहीं, सब सच्चिद आनंद है यहाँ पे मेरे धाम में। सच्चिद आनंद का मतलब है सब नित्य है, कोई मरने वाला नहीं है, तुम्हारी जो मृत्यु की शरीर है ना ये भी बंद हो जाएगी, तुमको मैं ओरिजिनल आध्यात्मिक शरीर दूंगा। कितने लोगों को चाहिए आध्यात्मिक शरीर, चाहिए ये सड़ा हुआ शरीर चाहिए, कितना भी आप यंग हो थोड़े दिन में आपके ढल जाएगी, क्या बोलते सॉन्ग था ना हिंदी में पता नहीं कोई सा, उम्र ढल जाएगी आपको पता होगा तो हम भगवान बोले कि तुम मेरे पास आओ, मेरे धाम में नित्य रहो, कभी आपको मृत्यु नहीं आएगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और लाइट भी नहीं है, तुम प्रकाशवान ज्ञान से भर भी, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं भी तुम्हें ज्ञान दूंगा, सब जान लो, और क्या आनंद है लाइफ में, आनंद से लाइफ है, पूरा लाइफ, कोई दुख नहीं है, यहाँ पे दुख है कि नहीं, हमको दुख है, लात पड़ने से दुख मिलता है ना हमको हर जगह पे लात मिलता है, यहाँ पे दुख ही दुख है, यहाँ पे मन से दुखी होते हैं, शरीर से दुखी होते हैं, लोगों से दुखी होते हैं, गर्मी मच्छर से दुखी होते हैं, है ना, हर चीज़ हमको दुख देता है, लेकिन मज़ा आता है माया है ना। तो यहाँ भगवान क्या बोले, तो मेरे पास आओ, अगर तुम मेरे पास आ गए तो फिर मन नहीं करेगा जाने का, क्योंकि यहाँ लात खा के वहाँ भगवान के पास चले जाएंगे, फिर वहाँ जाके हम लोग बोलेंगे हमें वापस जाना नहीं, आप ही के पास रहेंगे, आप ही के हैं, जैसे कि बेटा जब माँ पिता को छोड़ के जाता है धक्के खा के, फिर लास्ट में पता चलता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरे माता पिता को छोड़ के सब स्वार्थी है, मेरे पैसे से मेरे नाम से प्यार करते, भगवान बोले कि तुम मैं प्रेम करता हूँ तुमसे, तब देख लूँगा मैं, तुम कोई चिंता मत करो, आ जाओ मेरे पास। तो भगवान यहाँ पे तो सब माया से निकल के आ जाओ, कैसे, अगर हमको निकलना है तो क्या करना है हमें, भक्ति का, तो भगवान से संबंध जोड़ना योग, इसलिए भगवत गीता भागवतम ये क्या पता है, भगवान की मधुरता को, भगवान की महानता को प्रदर्शन कर रहा था, कि हम लोग उनसे अट्रैक्ट हो, फिर हम लोग उनकी भक्ति करें और फिर भगवान के पास चले जाएं, और वहाँ जाके क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। भक्ति का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब क्या है, सेवा का मतलब क्या है सेवा, बस सेवा चल रहा है, सेवा से सेवा, सेवा से सेवा, भक्ति सेवा है, भक्ति करेंगे तो और भक्ति करेंगे, और सेवा करेंगे तो और सेवा मिलेगा, ये सेवा ही है हमारा, सेवक है हम लोग, स्वामी हमारे भगवान है, हम मास्टर हैं, हम लोग मास्टर, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग सेवक ना बने, हम कोई मेरी सेवा करे, वो हमारी गंदी जो मन की कल्पना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अटक गए, यहाँ कोई सेवा कर नहीं रहा है, सब लात मार रहे हैं उल्टा, है ना, हम लोग शरीर को सेवा कर रहे हैं, हमारे मन की सेवा कर रहे हैं, मन हमारा मास्टर बन गया, फिर हर किसी का मन ही चैलेंज करता है ना। तो बताओ 7 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, पहला क्वालिटी क्या है बताओ, पहला क्या है, भगवान क्या है, क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर, तो जन्माद्यस्य, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कॉन्शियस, सब के बारे में कॉन्शियस है, वो भगवान ही है जो कॉन्शियस है, और तीसरा क्या है, भगवान इंडिपेंडेंट है, और चौथा क्या है, ब्रह्मा के हृदय में नॉलेज को उन्होंने ही दिया, और फिफ्थ वन क्या है,
बड़े बड़े देवी देवता भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं ओनली किससे, भक्ति से सके। और नेक्स्ट क्या है, तेजो वारी मृदाम यथो त्रिसर्गो मृषा, भगवान की माया बहुत पावरफुल है। इस संसार में रह के हम लोग माया में है, सब माया, भगवान की माया महा पावरफुल है। और लास्ट एंड फाइनल, भगवान अपने धाम में सदा रहते हैं और भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे पास आओ और मेरे साथ रहो, मेरी सेवा करो, खुश रहो। तो ये सात लक्ष्य भगवान के गुण हमें, ये आप सब लोग ये जाके पढ़ लेना 1.1.1 श्रीमद् भागवतम, और आप थोड़ा पढ़ लेना, इसमें नीचे से पढ़ना, पूरे से पढ़ना, बस भगवान को याद करना। अरे आप क्रिएट कर रहे हो, आपने माया बनाया, आपने एक ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सारे चीज़ों को जानते हो और आप धाम में रहते हो, मुझे बुला रहे हो, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो हमें भगवान को शरण, एक ही श्लोक में सब कुछ है, हरे कृष्ण, दैट्स इट। करते तो आज के लिए इतना ही। मैं आप चाहता हूँ कि कोई मुझे सवाल पूछे, कुछ है तो प्रभु इसको ऑफ कर दें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।